क्या कभी आपने सोचा है कि जो डिसीजंस आप लेते हैं क्या वो वाकई में आपके अपने हैं या फिर वो सिर्फ पिछले अनुभवों और बाहरी असर का नतीजा है। चलिए आज इस बात पर गहराई से सोचते हैं कि क्या फ्री विल सिर्फ एक भ्रम है। सोचिए, जो भी फैसले आप अपनी मर्जी से लेते हैं वो शायद पहले से ही आपके जीन्स, आपकी परवरिश और जिंदगी भर के अलग अलग बाहरी फैक्टर्स से तय हो चुके हैं। अब ये बात एथिक्स में क्यों मायने रखती है? वो इसलिए क्योंकि फ्री विल का आइडिया किसी को मॉरली रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे चॉइसेस हमारे अपने नहीं हैं, तो क्या हम अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं? उदाहरण के लिए लीगल सिस्टम को ही देखिए, जो अक्सर इसी असम्पशन पर काम करता है कि लोग सही और गलत के बीच चुनने के लिए आजाद हैं। लेकिन अगर फ्री विल एक भ्रम है तो इसकी नींव बुरी तरह हिल जाती है। किसी को उन कामों के लिए कैसे सजा दी जा सकती है जो वो करने के लिए पहले से ही डेस्टिन्ड था। दूसरी तरफ फ्री विल की लिमिटेशंस को मानने का मतलब ये नहीं है कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दें। इससे हमें इंसानी बिहेवियर को ज्यादा कंपैशन से समझने में मदद मिल सकती है और एजुकेशन, सोशल स्ट्रक्चर्स और यहां तक कि हमारे लीगल सिस्टम्स में सुधार लाने की भी प्रेरणा मिलती है। ये डिबेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसने फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और एथिसिस्ट्स को बांट रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्री विल हकीकत है, एक ऐसा तोहफा जो सिर्फ इंसानों को मिला है जिससे हम अपने मॉरल लैंडस्केप्स को नेविगेट कर सकते हैं। दूसरे ये मानते हैं कि हम बस सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल मशीन्स हैं और हमारे चॉइसेस जटिल न्यूरल एल्गोरिथम्स के आउटपुट से ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या फ्री विल एक आराम देने वाला भ्रम है या इंसानी एग्जिस्टेंस की एक बुनियादी सच्चाई? चलिए कमेंट्स में इस बातचीत को जारी रखें। याद रखिए, ऐसे गहरे सवालों को एक्सप्लोर करने से हमें ना सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद मिलती है, बल्कि इंसान होने के मायने को भी समझने में मिलती है। फिलोसॉफी के सबसे दिलचस्प डिबेट्स में से एक के इस एक्सप्लोरेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस मिलते रहें। अगली बार तक सवाल करते रहें और क्यूरियस बने रहें।